अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सेफ स्टैकिंग एंड स्टोरेज के हवाले से। एलिमेंट नंबर 8 निबोश न्यू सिलेबस के यूनिट 2 का हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है सेफ स्टैकिंग एंड स्टोरेज। और कंप्लीट अगर आप इसको टॉपिक का नाम है प्रिवेंशन ऑफ फॉलिंग मटीरियल्स थ्रू सेफ स्टैकिंग एंड स्टोरेज। अब इसमें सबसे पहला सेफ स्टैकिंग एंड स्टोरेज है क्या? स्टोरेज तो आपको मालूम होगा, किसी भी चीज़ को महफूज करना, किसी भी चीज़ को स्टोर करने के मानों में आता है। स्टैकिंग होता है किसी चीज़ को तरतीब वार, उसकी टाइप को सामने रखते हुए, उसकी नेचर को सामने रखते हुए। फॉर एग्जांपल, एक तरह की चीज़ एक ही जगह पे स्टोर की जाएगी, स्टैक की जाएगी, दूसरी तरह की तो मतलब आपस में चीज़ें मिक्सअप नहीं की जाएंगी। अब इसके अंदर इफ हाउसकीपिंग इज नॉट प्रॉपरली मैनेज इट कैन, अगर हाउसकीपिंग प्रॉपरली मैनेज नहीं होगी तो फिर क्या होगा? हाइंडर सेफ मूवमेंट अराउंड द वर्क प्लेस। ये क्या करेगा कि अगर हाउसकीपिंग प्रॉपर नहीं होगी, चीजें बिखरी पड़ी रहेंगी, चीजें सामने पड़ी रहेंगी, तो इसके नतीजे में जो सेफ मूवमेंट है वो क्या होगी अराउंड द वर्क प्लेस, वो छुप जाएगी, क्योंकि चीजें बीच में आ जाएंगी, जिसके नतीजे में सेफ मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगी। ब्लॉक लाइफ, जब आप बहुत ज्यादा ऊंचाई तक स्टोरेज कर देंगे या हीप्स क्रिएट कर देंगे, पहाड़ियां बना देंगे, चोटियां बना देंगे छोटी छोटी, तो ऐसी सूरत में रोशनी जो है उसको रास्ता नहीं मिलेगा। ब्लॉक एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज, और माइट बी पॉसिबल है कि एसेंशियल सर्विसेज के आपके वहां पे पीने का पानी हो सकता है, उससे ज्यादा एसेंशियल में हम ये ले सकते हैं कि आपने क्या किया है कि एमरजेंसी गेट या फायर एस्केप रूट जो है उसको ही ब्लॉक कर दिया है। स्टैग्स एंड पाइल्स कैन प्रेजेंट डेंजर ऑफ कोलैप्स, कि जब आप स्टैग इस तरह से बनाएंगे, पाइल्स ऊपर पहाड़ी नुमा चोटी नुमा बनाएंगे, तो ऐसी सूरत में बीच में से कोई भी चीज अगर वहां से निकलती है, क्रम्बलिंग होता है ये सारा अमल, तो उस दौरान में कोई चीज निकलती है तो ऐसी सूरत में वो सारे का सारा कोलैप्स कर जाएगा। देन लीड टू स्टैग मटीरियल्स टॉपलिंग ओवर। स्टैग मटीरियल्स टॉपलिंग ओवर क्या होगा कि जितना भी आपने स्टैग मटेरियल रखा हुआ है तो वो उलट सकता है, वो गिर सकता है, वो सड़क के किसी भी जानेब गिर सकता है। ये तमाम तर वजूहात हाउसकीपिंग प्रॉपरली मैनेज ना होने की वजह से हमारे सामने आती हैं। देन वी हैव सफिशियंट स्पेस नीडेड फॉर स्टोरेज ऑफ मटेरियल। अब हमें सफिशियंट स्पेस रिक्वायर्ड है किसके लिए? स्टोरेज ऑफ मटेरियल के लिए। नंबर वन, स्टोरेज एरियाज क्लियरली डिफाइंड। जितने भी स्टोरेज एरियाज होंगे वो क्लियरली डिफाइंड होंगे कि ये फ्ला एरिया है, ये फ्ला पर्पज के लिए है, ये फ्ला पर्पज के लिए है। तो तमाम तर चीजें इस तरह से हर चीज के लिए आपने पहले से जो चीज पहले से जो जगह है वो आइडेंटिफाई कर देंगे, डिफाइन कर देंगे आप वहां पर। सेपरेट एरियाज फॉर डिफरेंट आइटम्स, नेचर या टाइप को सामने रखते हुए जो डिफरेंट आइटम्स हैं उनको आप सेपरेटली रखेंगे। सेग्रीगेशन ऑफ सर्टेन मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेस, एग्जांपल गैस बॉटल्स। ये बात कर रहे हैं कि हमने पहले भी ये टॉपिक डिस्कस किया है, सेग्रीगेट होता है अलग अलग करना कि किसी भी जगह पे हैजियस मटेरियल है, सब्सटेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल गैस सिलेंडर, गैस बॉटल्स, गैस बॉटल्स से मुराद गैस सिलेंडर हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के हैं और किसी गैस के सिलेंडर हैं, एलपीजी के हैं, सीएनजी के हैं, तो ऐसी सूरत में जितनी भी गैस बॉटल्स हैं उनकी प्रॉपर स्टोरेज की जाएगी, प्रॉपर लेबलिंग की जाएगी। और कभी भी याद रखिएगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स को कभी भी दूसरे सिलेंडर्स के, फ्लेमेबल सिलेंडर्स के साथ नहीं रखना आपने। क्लीन एंड टाइडी एरियाज रूटीनली इंस्पेक्टेड। अप्रोप्रिएट वार्निंग साइंस, वार्निंग साइंस वहां पर मौजूद होने चाहिए ताकि सेफ स्टैकिंग और स्टोरेज हो। नो वर्क एक्टिविटीज इन स्टोरेज एरियाज, कि आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे स्टोरेज एरियाज में। उसके बाद जी हमारे पास आते हैं स्टैकिंग। जब आप स्टैकिंग करेंगे तो क्या करेंगे? ईच स्टैक फॉर वन मटीरियल ओनली, कि आपने जब भी स्टैकिंग करनी है, जब भी आपने चीजों को रखना है, तो ईच स्टैक फॉर वन मटेरियल ओनली, कि एक स्टैक जो होगा वो एक ही मटेरियल के लिए होगा, आप मटेरियल मिक्स अप नहीं कर सकते। सेट मैक्सिमम स्टैक हाइट, जितना ज्यादा पॉसिबल हो उतनी हाइट तक आप उस स्टैक गए। स्टैक शुड बी वर्टिकल, अंडरस्टूड है कि ये वर्टिकल होंगे,
आपकी खड़ी शक्ल में होंगे, अपराइट होंगे। यूज पैलेट्स टू कीप मटेरियल ऑफ द ग्राउंड। पैलेट्स क्या होते हैं? ये बेसिकली किसी भी आपकी मटेरियल को ग्राउंड से ऊपर उठाए रखते हैं, उसमें मावनत देते हैं। इससे जब भी उसको लिफ्टिंग और लोवरिंग में हमें ये चीज हेल्प देगी। अलाउ स्पेस बिटवीन स्टैक्स फॉर सेफ मूवमेंट। प्रोटेक्ट स्टैक्स फ्रॉम बींग स्ट्रक बाय व्हीकल। तो हम स्टैक्स को प्रोटेक्ट करेंगे कि वो व्हीकल्स वगैरह के साथ ना टकराएं। ये हमारा इसका टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला लेक्चर जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और वो है कन्फाइंड स्पेस के ऊपर। उस लेक्चर के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।